जयपुर। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने पार्टी छोड़ दी। केंद्र के कुछ मंत्रियों, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर पार्टी के लोकतंत्र की हत्या करने और भ्रष्टाचार पनपाने के आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी दिनों में भ्रष्टाचार के इस खेल का जनता के सामने पर्दाफाश किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को 3 पेज के पत्र में इस्तीफा का जिम्मेदार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व को बताया है। तिवाड़ी ने कहा कि वे भाजपा को छोड़ रहे हैं, लेकिन RSS की शाखाओं में जाते रहेंगे। अमित शाह को भेजे गए 3 पेजों में मैंने अपनी पूरी बात रख दी है। अगर वे अमित शाह प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो वे इसका स्वागत करेंगे, अन्यथा जनता की अदालत में इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि वह कांग्रेस और BJP दोनों ही पार्टियों से अच्छे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। खुद वर्तमान विधानसभा सीट यही सांगानेर विधानसभा सीट से अपनी नई पार्टी भारत वाहिनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और शेष 199 सीटों पर भी प्रत्याशी उतारेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी है। खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल उनके परिवार के सदस्य हैं और भविष्य में उनके साथ समझौता किए जाने के सभी रास्ते खुले हुए हैं। देश में आज से ठीक 46 वर्ष पूर्व एक घोषित आपातकाल लागू हुआ था, लेकिन आज देश और प्रदेश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। प्रदेश की मुख्यमंत्री और राज्य सरकार खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कुछ आला नेताओं की छत्रछाया में प्रदेश सरकार ने प्रदेश को लूटने पर खुलकर चलने का चारागाह बना लिया है।